नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण और आपका स्वागत है YouTube चैनल अमेजिंग ज्ञान में। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जमाई देते वक्त हमारे आंसू निकलते हैं, हमारे आंखों से पानी आने लगता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जमाई देते वक्त हमारे आंखों में पानी क्यों आता है। दोस्तों, हमारे आंखों में जो पानी आता है वो लैक्रिमल ग्लैंड से आता है, यानी कि जो आंसू की ग्रंथियां होती है वहां से हमारे आंखों में पानी आता है। जब हम जमाई देते हैं तब आंखों के जो आसपास की जो मांसपेशियां होती है, जो मसल्स होते हैं वो कस जाते हैं, मसल्स टाइट बनते हैं। और उसके वजह से होता क्या है, जो ग्लैंड्स होते हैं, जो लैक्रिमल ग्लैंड से जो आंसू की ग्रंथियां है उनके ऊपर दबाव पड़ता है, और उनके जो भौहें की हड्डियों के नीचे होते हैं और उनके ऊपर दबाव पड़ने से वो पानी को ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे आंखों में पानी आता है। दोस्तों, जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, जो आंसू की ग्रंथियां होती है, वो हमेशा पानी को पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे आंखों में नमी बरकरार रहती है, हमारे आंखों में गीलापन हमेशा बनाए रहता है। तो ओवरऑल दोस्तों, इस तरह से जब हम जमाई देते हैं तब होता क्या है कि आंखों के नज़दीक के जो मसल्स होते हैं वो टाइट होते हैं, और उसके वजह से जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने से ज़्यादा पानी प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से हमारे आंखों में पानी दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जरूर कुछ नया ज्ञान मिला होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं सही नए नॉलेज वीडियो आपके लिए रोजाना लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।